दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क का। मांटा नेटवर्क में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मांटा मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको देख सकता है। तो जब करेक्शन और डाउनफॉल आया था तब हमारी बाइंग हुई थी, अब धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी हो रही है। तो हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा $1 का, और इसके ऊपर आप इसको $5 तक होल्ड कर सकते हैं। अच्छा पोटेंशियल आएगा इसमें बुल मार्केट में जाके। तो अगर आपने मेरे बताए पे बाइंग करी है तो अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग क्या आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, क्या कुछ आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा, और अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी तो कौन सा इंपॉर्टेंट स्पॉट है जहां आपकी बाइंग हो सकती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर मांटा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.70 के रेंज में देखने को मिलता है, 1.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.69 से लेके 0.72 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, बट अब धीरे धीरे करेक्शन आ रहा है और बड़े करेक्शन पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 272 मिलियन का देखने को मिलता है, जो कि बुल मार्केट में 1 बिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा। तो उसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो कर सकता है। अगर इसका हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको सिर्फ 46 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो है, बट जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 383 मिलियन की है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसका प्राइस राइज कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन्स रिलीज होने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई लगा था 4.05 का, जिससे हम 82% के डाउन ट्रेंड पे हैं, मतलब हम अपने बॉटम के पास हैं। तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो सकती है। फर्स्ट एंट्री का जोन मैंने आपको बताया था 0.60 का है, तो उस बाइंग से हम अच्छे प्रॉफिट में हैं अभी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा नेटवर्क के चार्ट पैटर्न को। तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेल लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ये एक बेरिश पैटर्न होता है, इसमें हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, फिर इसी सपोर्ट को अगर हम एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करेंगे देन आपको मेजर डाउनफॉल और करेक्शन मिलेगा, जहां पे आपकी सेकंड बाइंग और डीसीए हो सकती है। फर्स्ट एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने मेरे बताए पे अपनी बाइंग करी होगी तो आप स्टिल प्रॉफिट में होंगे। अब आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम लोअर जोन में होते हैं ना, या फिर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें, तो होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। बट अभी क्या है, मार्केट के रिकवरी के साथ हमने अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया है, मतलब अब ट्रेंड का रिवर्सल होगा और आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसके थ्रू मैंने आपको टारगेट बताया था कि $1 का टारगेट आपका मिनिमम होगा, और उसके बाद से आप इसको 3 से $5 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। जितना आप इसको होल्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिलेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में रिकवरी या डाउनफॉल दोनों ही आपको स्लो देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड प्लान करना होता है। यहां से जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बताया था, ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है, अब धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी होगी। तो होप आपको इसका डेली टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं तो आपको फोकस करना है इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, वीकली के अकॉर्डिंग मांटा का जो प्राइस है वो आपको साइड में मूवमेंट देता हुआ देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही हम ब्रेकआउट देंगे $1 के लेवल का, आपको अच्छी रिकवरी मिल सकती है, और उसके बाद से जितने हमारे प्रीवियस सपोर्ट रहे हैं उसको हम एज अ टीपी जाके हिट करेंगे। मतलब यहां से क्या है, आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न ऐसे देखने को मिल सकता है, और जब हम हायर हाई हायर लो में होते हैं, अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो अगेन आपको हायर लो पे ही बाइंग करनी है। इस तरह से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी अगर आप बेस्ट एंट्री का जोन देख रहे हैं तो बेस्ट एंट्री का जोन मिल सकते हैं, अगर हमें यहाँ से मार्केट में करेक्शन देखने को मिले और आके हम वापस से इस अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड हो, तो जोन निकल के जो आएगा वो होगा 0.62 से लेके 0.60 का, जहां पे आपकी फर्स्ट बाइंग हो सकती है। तो थोड़ा सा आप मार्केट में करेक्शन का वेट करें, तब आपको एंट्री का जोन मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट एंट्री का जोन है वो है 0.65 से लेके और 0.60 के बिटवीन में। आपकी जो बाइंग होगी वो स्पॉट में होगी, आपने फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे नहीं करना।
टारगेट आपका 2x से लेके 5x तक का जाएगा। अब अगर आपने गलती से इसको हाई प्राइस में बाय करा है तो आपको जो DCA का रेंज मिलेगा वो DCA का जोन होगा आपका 0.50 का, उससे पहले आपने DCA या सेकंड एंट्री नहीं लेनी। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।